अगर आप अपने दिन की शुरुआत इन दो पत्तियों को खाकर करते हैं तो सच मानिएगा आपके शरीर से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो छू मंतर हो जाएगी। यहां तक कि कैंसर की जो बीमारी है उसमें भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा अगर आप इन दो पत्तियों को खाते हैं। और बहुत सारी शरीर की ऐसी बीमारियां हैं जो केवल ये दो पत्तियां, छोटी सी ये दो पत्तियां हैं, इनको खाने से शरीर से दूर भाग जाती हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये पत्तियां हैं नीम की पत्ती। नीम की पत्ती कैसे खानी है, कितनी खानी है, कब खानी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जिससे कि किसी को इसका नुकसान ना हो। आजकल तो नीम की निम्बोली भी आ रही है, नीम पे काफ़ी सारी नीम के पेड़ पर निम्बोली लगी हुई। हमारे यहाँ तो कम से कम आसपास के एरिया में ही मेरे कम से कम 10 बड़े बड़े नीम के पेड़ हैं। तो नीम की पत्ती आप तोड़ लीजिए और उसमें जो कोमल पत्ती होती है, जो मतलब जैसे अभी अभी उगी है, तो ऐसी नीम की दो कोमल पत्तियां लीजिए और उनको चबा करके सुबह खाली पेट आप खा लीजिए। ज़्यादातर जैसे मॉर्निंग वॉक वगैरह करने आप जाते हैं तो दो पत्तियाँ आप चबा कर और उसको निगल लीजिए। कड़वी होती हैं पर जब शुरुआत आप करेंगे तो थोड़ा आपको कड़वापन लगेगा, पर जब इसकी आदत पड़ जाएगी तो ये पत्तियाँ आपको इतनी कड़वी नहीं लगेंगी। दो पत्तियाँ अगर आप डेली खाते हैं तो आपको कैंसर की बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी है कैंसर की बीमारी में आपको फ़ायदा होता है। नीम की पत्तियाँ फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में सहायक होती हैं, इसकी वजह से खून साफ़ होता है और खून साफ अगर रहता है तो उसे कैंसर की समस्या हो ही नहीं सकती, उससे कैंसर से हमेशा बचाव होता है। खून साफ़ होता है तो आपको कील मुहासे नहीं होंगे, आपको पिंपल्स नहीं होंगे, आपको झाइयाँ नहीं होंगी, क्योंकि खून का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और खून साफ़ करने में नीम की पत्तियां एक रामबाण उपाय है। तो सुबह सुबह केवल आप दो पत्तियां खाइए, इनको बच्चों को भी आप दे सकते हैं और इसको लाइफ टाइम खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है अगर आप इसको सीमित मात्रा में इसका यूज़ करते हैं। दो पत्तियां लगातार आप 3 महीने खाइए, 3 महीने के बाद छोड़ सकते हैं, फिर 1 महीना छोड़ दीजिए, फिर लगातार 3 महीने खाइए। हाँ, दो पत्तियों से ज़्यादा मत खाइएगा। बच्चों को देते हैं तो बच्चों को थोड़ा जो पत्तियों का साइज़ है वो छोटा ले लेना, और जो बड़े लेते हैं तो बड़ों के लिए थोड़ा सा साइज़ बड़ा ले लेना पत्तियों का। तो इस तरह से बच्चों को भी दे सकते हैं। हाँ, नीम की पत्तियां खाने से कभी दांत में कीड़ा नहीं लगता है, और जिनके बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, पायरे की शिकायत है, उनको भी नीम की पत्तियां खाने से बहुत ही फ़ायदा होता है। और हाँ, जो हमारी पाचन क्रिया है उसमें जो जीवाणु होते हैं जो हानिकारक हैं उनकी सफाई ये नीम की पत्तियां करती हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये दो पत्तियां खाते रहते हैं तो बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।